की डेंटिंग एंड पेंटिंग। ये देखो भाई वर्क यहाँ रुकता नहीं है। अभी साथ लगाइए इसमें पॉलिश और साइन देखो गाइस कितनी हो रही है सनलाइट में शाइनिंग। देखो भाई एस्प्रेसो कितनी बढ़िया लग रही है। गाइस आपको मिलता हूँ वर्कआउट करने के बाद छत पे, क्योंकि अगर एक घंटे का वर्कआउट वीडियो दिखा दूंगा तो हो जाएगा काफी बोरिंग। सी यू नेक्स्ट इन द टेरेस्ट। गाइस अभी मैं टेरेस पे आया हूँ, अभी कट करता हूँ इसको। और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं गाइस, जाओ गूगल पे सर्च करके यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो उसके बेनिफिट्स। और अभी मैं जिम कर रहा हूँ तो इस टाइम इसको खाने से बहुत फ़ायदा होगा। सो गाइस फर्स्ट कट दिस एंड सी यू गाइस। कभी भी आप कट करो तो इसको पीछे से कट करना। और ये वाला नाइफ बहुत छोटा है और इसको प्रोफेशनल चाकू चाहिए। ये छोटा चाकू है इससे कोई काम नहीं होगा गाइस। मैं तो लेकिन काट रहा हूँ, अभी इससे कट करता हूँ। गाइस ये लगता बहुत सुंदर है। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। गाइस तेरे नाम बन गया हूँ। छोटे में मैं ऐसा रोल करता था तो मम्मी बहुत मारती थी मेरे को, और छोटे छोटे वाल थे उस टाइम। फेमस थी तेरे नाम मूवी और दूरदर्शन पे आती थी, आप सबको पता होगा, आप में से काफ़ी लोग देखते होंगे। तो ऐसी हेयर स्टाइल में मेरे को बहुत डांट पड़ती थी छोटे मम्मी से, लेकिन अभी कोई डांट नहीं पड़ती क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मम्मी डांटती भी नहीं है अब। पहले मेरे को पता नहीं था ये वाली हेयर स्टाइल का मेरे को बहुत शौक था। और एक जानी दुश्मन मूवी थी उस वाली हेयर स्टाइल का भी बहुत शौक था। मैं बहुत रोता था, जिद करता था मेरे को ये वाली हेयर स्टाइल चाहिए और बहुत डांट करती थी गाइस। चलो इसको कट करते हैं फिर बात करते हैं। सो गाइस अभी आया हूँ मैं सदर बाजार के डेंटिंग पेंटिंग स्टोर पे। अभी मेरे डेंट आ गए थे कार में, आपको बताया था, वर्कशॉप भी गया था, लेकिन अब इधर की प्राइस पूछने आया हूँ। फिर अगर जिधर सस्ता होगा वहाँ से करा लूंगा, या वर्कशॉप से करा लूंगा, या ये वाली शॉप से करा लूंगा। देखता हूँ कहाँ पे सस्ता है सबसे अच्छा, और आपको ही बता दूंगा सजेशन के लिए। तो गाइस अभी आया था मैं सदर बाजार घूमने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस आप भी देखिए इस ब्लॉग को, तो कंटिन्यू करते हैं फिर इस ब्लॉग को। सिविल लाइन सदर बाजार होते हुए ये ज्वेलर्स शॉप देख रहा है गाइस, यहाँ पे आई थी रवीना टंडन वाली शॉप पे। देखो अभी सुबह के 12 बज रहे हैं, काफ़ी खाली खाली रोड है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है। कितनी साइन हो रही है गाइस इस तरह से देख सकते हो आप, कितना अच्छा लग रहा है, लोग कितनी साइनिंग मार रही है। अभी इसमें पॉलिश लगी है, देखो कितना साइन हो रही है। 20 minutes later गाइस चलते चलते अभी हूँ मैं रेलवे कारखाने के पास। और गाइस कुछ काम था इस वजह से आया हूँ। और गाइस मुड़ मुड़ के पब्लिक ऐसे देख रही है इस कार को, क्योंकि इतनी अच्छी चमकती और न्यू मॉडल कार है एस्प्रेसो, सब लोग देखते हैं इस कार को। सो गाइस आपको ये सिंपल प्रॉपर्टी दिख रही है, पहले यहाँ रेलवे क्वार्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी वो सब तोड़ के खाली कराए गए। और यहाँ पे आ रही है कोच फैक्ट्री, काफ़ी बड़ी कोच फैक्ट्री बनने वाली है जिससे वर्कर्स काम करेंगे। और यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है पानी का। सो गाइस ये देख सकते हो आप, काफ़ी प्लांट जमीन बना दी है इन लोगों ने, और पेड़ सारे कटेंगे, उसके बाद कोच फैक्ट्री रेडी होगी। यहाँ से रोड दे दिया है, जब आप देखोगे ना रियल में तो आपको कुछ अलग व्यू आएगा। कहाँ पे फैक्ट्री का गेट आएगा, कहाँ पे किचन होगी, कहाँ पे ऑफिस होगा, कहाँ गार्डन होगा, बगीचा, कहाँ गैरेज होगा गाड़ी रखने वाला, ठीक है। 20 minutes later गाइस जस्ट अभी आया हूँ BSNL ऑफिस, पीछे आप देख सकते हो यहाँ से पहले टेलीफोन मिलते थे। अभी मेरे को काम था, आधार कार्ड में करेक्शन करवाना था और लिंक करवाना था मोबाइल नंबर, तो पीछे आया हूँ और
जिसको नहीं पता झांसी से हैं, BSNL ऑफिस में बन रहे हैं आधार कार्ड, जिसको बनवाना है आइए और आपको दिखाते हैं कितने रुपए लगेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा इसके सब कुछ डिटेल्स है, स्क्रीन शॉट लेके आप पढ़ सकते हो, इधर फीस लिखी हुई है। फाइनली डन माई वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।